हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आया तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब आप बोलोगे भाई अभी तो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आया भी नहीं है तो ये वीडियो किस लिए। तो भाई चाइना का ना कुछ भरोसा नहीं है, कौन सा वायरस रिलीज कर दे किसी को नहीं पता। तो पहले से ही पूरा मेन्यू अपने दिमाग में बिठा लेना। तो बढ़ते हैं आज अपने वीडियो की तरफ जिसका नाम है क्या होगा अगर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आए, इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रोल द इंट्रो। तो गाइस, सबसे पहली जो बात है वो है अगर आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो जल्दी से अपने अपार्टमेंट के गेट और जो दरवाजे हैं उन्हें बंद कर लीजिए और अपने घर का जितना भी फर्नीचर है या फिर जितने भी आइटम्स हैं, फ्रिज वगैरह, वो सब गेट और खिड़कियों से लगा दीजिए जिससे ज़ॉम्बीज अंदर ना आ पाए। क्योंकि अब आप ना तो पढ़ाई करोगे ना आपका कोई बिजनेस बचा है, तो प्लीज़ अपने जो फर्नीचर वगैरह है वो गेटों से लगा दीजिएगा जिससे कोई जितना भी ताकत से गेट खोले वो खुले ही ना। अब आपके घर में एक दो दिन का खाना होगा, ज़्यादा दिन का नहीं होगा, इसलिए आपको अपने घर से निकलना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। तो गाइस, सबसे पहले तो आपको अपने घर में बिल्कुल नहीं रुकना है ऐसे टाइम पर अगर आपके घर में पानी नहीं बचा है और खाना नहीं बचा है। हाँ, अगर आपके घर में कोई जनरल स्टोर की दुकान है तो आप उसके अंदर रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक दो महीने से ज़्यादा का खाना आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको तो बाहर जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप आपके जितने भी रिश्तेदार वगैरह हैं उन्हें कॉल करिए, अगर वो कॉल नहीं उठा रहे हैं या फिर काट रहे हैं या फिर उन्होंने उठा लिया है और मांस चप चप चबाने की आवाज़ आ रही है तो समझ लेना आपके जो रीति रिश्तेदार हैं सब निकल लिए हैं इस दुनिया से। तो अब आपको अकेले ही जाना है। तो अब टाइम आ गया है रियल लाइफ में रेजिडेंट ईविल खेलने का। तो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने हाथ पैरों में चाहे जितनी भी गर्मी पड़ रही हो मोटे कपड़े पहने जिससे कि जो ज़ॉम्बीज के दांत होंगे आपकी स्किन पर नहीं गड़ पाएंगे। और कोशिश कीजिए कि आप लेदर की जैकेट पहने क्योंकि उसमें वो काफ़ी मोटी होती है और उसमें ज़ॉम्बीज के दांत नहीं गड़ते हैं। और अपने हाथ पैरों पर बुक्स टेप की मदद से चिपका लीजिए जिसकी वजह से जो आपके हाथ पैर हैं वो इतने सिक्योर हो जाएंगे कि वो उनमें ज़ॉम्बीज के दांत घुस ही नहीं सकते। और आप ले लीजिए अपना फेवरेट क्रिकेट का बैट या फिर बेसबॉल का बैट और घर में जितने भी औजार पड़े हों सब ले लीजिए क्योंकि अब आपको फाइट भी करनी पड़ेगी। तो आप डंडे वगैरह से तो मार ही लोगे ज़ॉम्बीज को, लेकिन ज़्यादा ज़ॉम्बीज को मारने के लिए आपको गन्स वगैरह तो चाहिए होंगी। तो अब हमारे इंडिया में ऐसी तो कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप पूरी कॉलोनी छान लेना लेकिन एक एक वेपन ढंग का मिल जाए तो उस बात है। देखिए, सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जाना है, वहाँ पर जो दो चार ज़ॉम्बीज होंगे उन्हें आपको टपकाना है और वहाँ से जितने भी वेपन्स आप ले सकते हो उतने वेपन्स ले लेने हैं। लेकिन अब बात आती है आप चलाएं कैसे वो वेपन्स, क्योंकि आपने वेपन ले तो लिए हैं साथ में उनकी एमओज भी ले ली हैं लेकिन आपको यही नहीं पता है कि वो गन्स चलेंगी कैसे, तो आपको उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर आपके साथ कोई पुलिस इंस्पेक्टर है तो उसकी हेल्प लेनी है, वरना अभी से ही आप तैयारियाँ शुरू कर दीजिए गन्स वगैरह चलाने की। और सबसे पहली बात, आपको एक ग्रुप बनाना है लेकिन वो ग्रुप में आपको किसी अनजान लोगों को नहीं डालना है, यानी जैसे कोई अनजान लोग होते हैं उन्हें मत डालना क्योंकि वो आपको अपनी जान बचाने के लिए कभी भी आपको ज़ॉम्बीज के हवाले कर सकते हैं, इसलिए सिर्फ अपने अपने लोगों का ग्रुप बनाइए। और एक कोई हैवी, आप सोच रहे होंगे कि एक हैवी वेपन्स में एक हैवी व्हीकल में जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको बाइक्स वगैरह लेने हैं क्योंकि अब तो सारी बाइक फ्री हैं, किसी की भी बाइक उठाओ और निकल लो क्योंकि ज़्यादा बड़ा व्हीकल होगा, ज़्यादा आवाज़ होगी और वो ज़्यादा ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद आएगा पार्ट टू, तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और 20 लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।